गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह आप लोगों का वीकली MCQs में वेलकम करती हूँ। तो आज हम लोग करेंगे 85 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ जो कि 15 जुलाई से लेके 22 जुलाई के बीच में जो करंट अफेयर्स की घटनाएं घटी हैं उससे रिलेटेड है। तो ये जो MCQ है हम वीकली कर रहे हैं और इसका PDF मैं सक्सेस मंथ चैनल पे और सक्सेस मंथ फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसको आप गूगल ड्राइव से ले सकते हैं। और जिसको भी नहीं मिल रहा है वो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम लोग करंट अफेयर, ये वीकली जो करंट अफेयर है। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप क्या नई चीज़ देखना चाहते हैं। जो व्यूवर्स नए देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। हाल ही में ली सिंग लूंग किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हमारे सिंगापुर के प्रधानमंत्री। चलिए मैं इसका कलर ले लेती हूँ पेन का। और ये हो गया सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं हमारे सत्तारूढ़ पीपल एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सिएन लूंग एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो चलिए सिंगापुर की बात कर लेते हैं। तो सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, राष्ट्रपति हैं हलीमा याकूब और प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लूंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। तो हाल ही में किस राज्य में ई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई लोक अदालत आयोजित की गई? तो ये राज्य है छत्तीसगढ़। लोक अदालत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी और घर बैठे ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले का निपटान कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ई लोक अदालत शुरू की गई है, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश RP रामचंद्र मेनन ने किया। चलिए हम छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और इसकी राजधानी है अटल नगर, जो कि नया रायपुर जिसे कहा जाता है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके और छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो ये जीता है केसंग डी थोंगडोंग ने। केसंग डी थोंगडोंग की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो ये एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। अब केसंग डी थोंगडोंग की बात करें तो एक फिल्म निर्माता हैं जिन्होंने अपने वित्तीय चित्र ची लूपो के लिए यह पुरस्कार जीता है। तो ये फिल्म भी आप याद रखेंगे कि किसके लिए उन्हें दादा साहब पुरस्कार मिला, तो ची लूपो के लिए उन्हें दादा साहब पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो ये हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं, भारतीय इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। विराट कोहली इंडियन टीम के कैप्टन हैं, उनके खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। हाल ही में किसने बीमा कंपनियों को कोरोना कवच बीमा पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है IRDAI एडा ने। एक स्टैंडर्ड कोविड विशिष्ट उत्पादक तैयार किया गया और इस पॉलिसी के लाभ 18 से 65 वर्ष के बीच के व्यक्ति उठा सकेंगे। तो ये बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हो गया, वे कौन थे? तो जैक चार्ल्टन एक फुटबॉलर थे, इंग्लैंड के 1966 विश्व कप के विजेता टीम के सदस्य। जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है और 1996 में देश के सबसे प्रतिष्ठित मानक पुरस्कार आयरिस से उन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये आप याद रखेंगे, ये फुटबॉलर थे इंग्लैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व मलाला दिवस वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। लड़कियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाने के कारण तालिबान की गोलियों का शिकार बनी मलाला यूसुफजई का जन्मदिन 12 जुलाई को पाकिस्तान की पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन ने पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वेलेंटिनो को स्थान मिला है? तो ये मिला है हमारे स्पोर्ट्स एलेक्सट्रेड को।
अमेरिकन स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स एलिस्ट्रेड में पहली बार ट्रांसजेंडर एक मॉडल है वेलेंटिनो उनको स्थान मिला है और इस स्पोर्ट्स मैगजीन स्पोर्ट्स एलिस्ट्रेड को का सर्कुलर जो है 10 लाख का है और इसे 2 बार नेशनल मैगजीन का अवार्ड भी प्राप्त है। तो इस मैगजीन का नाम रखेंगे याद रखेंगे और याद रखेंगे कि अमेरिका से पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल के सीईओ सुंदर पिचई ने पीएम नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत में कितने करोड़ का निवेश करने की घोषणा की है। तो सीईओ जो है गूगल के वो हैं सुंदर पिचई और सुंदर पिचई इंडियन मूल के हैं तो ये आप याद रखेंगे। तो 75,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। साथ ही वर्चुअल मीटिंग के दौरान भारत के किसानों युवाओं और उद्यमियों के जीवन बदलने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर कौन से नंबर के व्यक्ति बन गए हैं। तो ये बने हैं 7th। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। इस समय भारतीय अरबपति की कुल संपत्ति $69.9 बिलियन है जबकि वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति $69.1 बिलियन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये। तो ये रूस पहला देश बन गया है। रूस के सिचिनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया और इसके साथ कोरोना वैक्सीन की ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। रूस ने कहा है कि उसने वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और किस देश के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है। तो ये दी है नेपाल, मतलब कि थाईलैंड और नेपाल के दो देशों के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात में जमानत दे दी है और उन 75 नागरिकों पर दिशा निर्देश की कथित अवहेलना करके तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का आरोप लगाया। हाल ही में किस कंपनी ने CIIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 जीता है। तो ये जीता है NTPC ने। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। तो NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित CIIITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। अगर NTPC की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1975 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो ये बना है ब्रिटेन में। टॉप 3 देश, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर भारत है और तीसरे स्थान पर जर्मनी है। ब्रिटेन की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आंद्रेस टूडा फिर से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो ये बने हैं पोलैंड के राष्ट्रपति। आंद्रेस टूडा को फिर एक बार पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया है। उन्होंने पोलैंड में हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 51.21% वोट से जीत हासिल की है। पोलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी है वारसा, मुद्रा है पोलिस जॉल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये है के पलानी स्वामी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एडाप्पी के पलानी स्वामी को शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल द्वारा पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है और इस सम्मान से सम्मानित किए जाने वाले व्यक्ति को एक लैपल पिन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। साथ ही वो पॉल हैरिस फेलो पदक का भी पात्र बन जाता है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी है चेन्नई, इसके मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी, राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन अगले सप्ताह होगा, ये किसने लिखी है। तो ये लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई जो सॉन्ग है वो अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक है, उसका विमोचन 20 जुलाई 2020 को किया जाएगा। रस्किन बॉन्ड ने इस पुस्तक में 16 साल की उम्र में हुए अपने अनुभव को साझा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पे लगे कितने वर्ष के बैन को हटा दिया है। तो ये 2 वर्ष के बैन को लगे हटा दिया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स ने मैनचेस्टर सिटी पे 2 वर्ष के बैन को हटा दिया। अब मैनचेस्टर सिटी टीम यूरोपियन टूर्नामेंट में खेल सकती है लेकिन CAAS ने इंग्लिश फुटबॉल क्लब पर 85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत के किस राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़ी लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है? तो ये की है हरियाणा राज्य के लिए। केंद्र सरकार ने हाल ही में हरियाणा राज्य में नेशनल हाईवे से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की है। साथ ही नेशनल हाईवे 8 समेत 11 सड़कों से जुड़ी परियोजनाओं का केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया है। अमेरिका के बाद किस देश ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है? तो ये किया है ब्रिटेन ने। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने हाल ही में चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने टेलीकॉम कंपनी को आदेश दिया है कि वह 2027 तक 5G नेटवर्क से हुआवे के सभी उपकरण को हटा दे। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए किस देश की नेशनल असेंबली ने इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है? तो ये किया है पाकिस्तान की असेंबली ने। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ एकमत से प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में कश्मीरियों को राजनयिक और राजनीतिक समर्थन देने की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश में सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है? तो भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश में विशेष सामान से भरी पार्सल रेलगाड़ी को भेजा है, जबकि इससे पहले गुंटूर और इसके आसपास के इलाके किसानों और व्यापारी कम मात्रा में सूखी मिर्च सड़क मार्ग से बांग्लादेश ले जाते हैं, जिसमें लगभग 7,000 रुपये प्रति टन की लागत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत को चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये किया है ईरान ने। ईरान ने हाल ही में भारत को चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया। केवल ईरान अकेला ही इस परियोजना को पूरा करेगा। ईरान के इस फैसले को सामरिक और राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल ही में BCCI ने अपना अंतरिम CEO किसे बनाया है? तो इन्होंने ये बनाया है हेमांग अमीन को। BCCI ने अपना अंतरिम CEO बनाया है हेमांग अमीन को। ये राहुल जौहरी का स्थान लेंगे, जिन्होंने हाल ही में BCCI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। भारत में क्रिकेट मैच को जो रेगुलेट करता है उसी को कहा जाता है BCCI, जिसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। अब इसकी पूरी डिटेल एक बार देख लेते हैं, क्योंकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली GK के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो करंट के साथ साथ हम लोग यहाँ GK क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके प्रेजेंट जो अध्यक्ष हैं वो सौरभ गांगुली हैं। CEO बन गए हैं हेमांग अमीन और इसके उपाध्यक्ष हैं महिम वर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने पहली बार किस देश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? तो ये फर्स्ट टाइम किया है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किया है बांग्लादेश को। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में ये सूखी मिर्च भेजी गई है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से भेजी गई है ये सूखी मिर्च बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाती है, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया के। हांगकांग में चीन के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में ऑस्ट्रेलिया ने ये कदम उठाया है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, मुद्रा है डॉलर और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। हाल ही में किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे हो जाएगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये हो जाएगा 2030 तक। भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे होगा, जिसमें डीजल की जगह 100% विद्युतीकरण का प्रयोग होगा। अब भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1883 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल के मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। अगर हम RPFS निदेशक की बात करें तो ये हैं अरुण कुमार, और स्वतंत्र भारत के पहले जो रेल मंत्री थे वो थे जॉन मथाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस को देश में चार्टर उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये लगाया है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान है एशिया महाद्वीप में स्थित, इसकी राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। इस समय करंट प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। अमेरिका की अगर यहाँ बात करते हैं तो अमेरिका अमेरिकी उपमहाद्वीप में स्थित है और राजधानी इसकी वाशिंगटन है, वाशिंगटन डीसी, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है और इसके इस समय प्रेजेंट जो इसके राष्ट्रपति हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम नासा है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुने गए हैं हमारे के शिवान जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। वॉन कर्मन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1982 में और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है जिसके फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके संस्थापक हैं विक्रम साराभाई और अध्यक्ष हैं के सिवन। इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉट्स इसका मुख्यालय पेरिस में है और पेरिस फ्रांस में और संस्थापक हैं थियोडोर वान कर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विधुपी नायर किस देश के भारत में अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं तुर्कमेनिस्तान के। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान ये जो नायर है वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत थे। अब तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है आश्कबाद, तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मानात, राष्ट्रपति है गुरबंगुल बर्दी मुहामेदो और राष्ट्रीय खेल है तुर्कमेनिस्तान का फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व युवा कौशल दिवस वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इस दिवस का उद्देश्य युवाओं में बेहतर आजीविका के लिए कौशल विकास के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस जियो ने किस आईटी कंपनी के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 5G 4G स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है? तो ये की है गूगल के साथ मिलकर। रिलायंस जियो ने आईटी कंपनी गूगल के साथ मिलकर एंट्री लेवल के 4G 5G स्मार्टफोन के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की घोषणा की है और दोनों कंपनियों का उद्देश्य भारत को 2G मुक्त बनाना है। साथ ही गूगल ने रिलायंस जियो में 33,737 करोड़ रुपये का निवेश किया है। चलिए आगे बात करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी किस उर्वरक सहकारी समिति को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शुद्ध मुनाफा हुआ है? तो ये हुआ है इफको को। दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी जो समिति है इफको यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड को वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,005 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले वर्ष 18-19 में 841.58 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज का कौन सा खिलाड़ी आईसीसी के टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में कैरियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो ये हैं जेसन होल्डर। वेस्ट इंडीज़ के जेसन होल्डर सर्वश्रेष्ठ 862 रेटिंग के साथ आईसीसी की टेस्ट गेंदबाजी की रैंकिंग में कैरियर के सबसे दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच की पारी में 42 रन देकर 6 विकेट ले लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 31 जुलाई तक कम्प्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है? तो ये की है बिहार राज्य सरकार ने। बिहार ने हाल ही में 16 से 31 जुलाई तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है और 16 दिन के लॉकडाउन में कुछ आवश्यक चीज़ों की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सब बंद रहेगा। बिहार में 16 जुलाई से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर परिवहन सेवा, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे।
भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान की घोषणा की है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये, तो ये की है मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने, जिसका उद्देश्य मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित करना है और इस अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्टीफन किंग। इस पुस्तक को हैचेड इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया और इस बुक की कहानी एल्बर्ट मैकड्रिल मिडिल स्कूल के पास रखे बग पर केंद्रित है। ये उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म द आउटसाइडर की अगली कड़ी है। आगे बात करते हैं, हाल ही में CAPF के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुग्राम के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे CRPF कहते हैं, CRPF होगा, के परिसर में पीपल के पौधे का रोपण करके केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुभारंभ किया। हाल ही में रुद्रेंद्र टंडन को किस देश का में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया है अफगानिस्तान में। भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी रुद्रेंद्र टंडन को अफगानिस्तान में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये वर्तमान में जकार्ता में आसियान के लिए भारतीय दूत के रूप में सेवारत हैं। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगानी और राष्ट्रपति यहाँ के हैं अशरफ गनी अहमद जई। हाल ही में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो ये देखा गया है असम राज्य में। असम के कांजीरंगा नेशनल पार्क में गोल्डन टाइगर देखा गया है। और असम की यहाँ बात करते हैं, तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है सर्वानंद सोनोवाल, राज्यपाल है जगदीश मुखी और असम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लम्बा। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया है? तो ये इन दोनों को किया गया है, गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी। हॉकी लीजेंड गुरुबख्श सिंह और पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर पलाश नंदी को इस साल के मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये हैं सचिन अवस्थी। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के रूप से भी जाना जाता है और सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 के लिए आयोजित एक सेमिनार में टॉप पब्लिसिस्ट का पुरस्कार दिया गया है। अगर WHD की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव और इसका मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम है और संस्थापक और अध्यक्ष हैं अब्दुल बासित सैयद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को किस ऐप के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया है फेसबुक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो गृह मंत्रालय ने अर्धसैनिक बलों जैसे कि CRPF, ITBP, BSF, CISF और NSG के जवानों को फेसबुक ऐप का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही विदेशी ऐप के इस्तेमाल को भी रोकने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य सरकार ने गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? तो ये दी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। छत्तीसगढ़ ने हाल ही में गौधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पर्व से होगी और अब तक राज्य में 5,300 गौठान स्वीकृत किए जा चुके हैं। भारत के किस IIT संस्थान ने शुद्ध नामक एक अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर ने, जो कि UV अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग उत्पाद होने से इसमें किसी प्रकार के केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे, एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त इनमें से किसको नया उपाध्यक्ष चुना है? तो ये चुना गया है अशोक लवासा को। एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वे दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त होने वाला है।
आगे, भारत में किस आईआईटी संस्थान ने दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना किट विकसित की है? तो ये की है दिल्ली, आईआईटी दिल्ली ने, जिसका नाम कोरोश्योर है और इसे दिल्ली की फर्म न्यूटेक मेडिकल डिवाइस के साथ मिलकर तैयार किया गया है। इस किट की कीमत है 399 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस और विश्व इमोजी दिवस दोनों मनाया जाता है 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के कार्य का समर्थन करना है। आध्यात्मिक गुरु पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये थे 78 ईयर्स के। इनके निधन पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सबने शोक जताया है। और पुरुषोत्तम प्रियदास जी स्वामी की बात करें तो स्वामी नारायण गादी संस्थान से ये जुड़े। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि जिसे कहते हैं, योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उसे अपने व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। तो ये मध्य प्रदेश राज्य जो है वह यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कोविड 19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? भारतीय रेलवे ने, डीआरडीओ ने, रक्षा मंत्रालय ने या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। रेल मंत्री हैं इस समय पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहले संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हैदराबाद के एयरपोर्ट पे। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक रिलोटेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी और डिटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा, मतलब कि अपने आप इसका भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एपी स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने अपने 11th चांग सैटेलाइट लॉन्चर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए एपी स्टार 6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षण कर लिया है। कमर्शियल उपग्रह एपी स्टार 6D को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है प्रवेश, प्रयास, प्रज्ञाता या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा प्रज्ञाता। ये नया डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसमें ये एक दिशा निर्देश है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट आपको ये प्रज्ञाता ऐप ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्रेट ली। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताजा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। ब्रेटली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट मैच और 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 718 विकेट लिए हैं। तो ये ब्रेटली के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है ट्यूनीशिया के। इलिस फाकफाक को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था, बट रिसेंटली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर ट्यूनीशिया की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ट्यूनिल, मुद्रा है टुनसिया और राष्ट्रपति है कैस सैयद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा COVID-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है? तो ये इंडिया का है ऐप जो आप सबने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा होगा, आरोग्य सेतु। रिपोर्ट के अनुसार आरोग्य सेतु जो ऐप है अप्रैल में सबसे ज़्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप है जिसको पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत है इस समय तीसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर यहाँ सबसे कम लागत में फैक्ट्री चीन लगा सकता है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। इस समय थर्ड पे इंडिया आ चुका है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? तो IPL इस बार होगा UAE में, लेकिन BCCI ने अभी शेड्यूल बनाया है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इसी वजह से BCCI ने ये फैसला लेना उचित समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये किया है 4 साल के लिए स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट इस समय है थॉमस बैच और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। तो ये आप याद रखेंगे, ये GK का फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मेन न्यूज़ है, ये पाकिस्तान सरकार ने किया है। सरकार ने कहा है कि ये गेम जो है वो इस्लाम विरोधी है और इस गेम को खेलने से इसकी लत लग जाती है और साथ ही इस गेम में समय की बर्बादी भी होती है। तो ये पाकिस्तान ने कुछ सही काम किया है इतने दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किसने तैयार किया है? तो ये किया है अमेरिका ने तैयार। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च में प्रशांत महासागर में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को दक्षिण अमेरिका का देश है एक सूरीनाम, वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है और सूरीनाम जैसा देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। सूरीनाम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पैरामारिबो और सूरीनाम डॉलर यहाँ की करेंसी है। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी थी, इन्हें राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी सभी को पता है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दिबांकर दत्ता। लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं महाराष्ट्र राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन मुस्कान पहले मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, लेकिन इस समय जो किया है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है और इस ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान COVID-19 रखा गया है। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956। राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टेंग मास जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि द टेंग मास, ये जो पुस्तक है, ये अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा
टंगमस पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया है? ऑप्शन हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। और ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भी हैदराबाद में ही स्थित है, इसलिए आयोजन भी वहीं किया जाएगा। हैदराबाद की जो राजधानी है वो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने USIBC 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन है जिम टाइकलेट, एन चंद्रशेखरन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, इन दोनों ने जीता है USIBC का 2020 का लीडरशिप अवार्ड। ये पुरस्कार भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये जो इस समय जो चल रहा है उसमें प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया? तो ज़्यादातर लोग इसका आंसर दिल्ली लगा के आएंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पटना। बिहार के पटना के एम्स ने भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवासिन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया। इससे पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आ गए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। तो अभी बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं, बट अगर पहले चरण का काम शुरू हो गया तो फिर एंड तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है 20 जुलाई, मतलब की जिस दिन आप न्यूज़ सुन रहे होंगे उसी दिन। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 5 की, 7 की, 9 की या 11 की? तो ये की है 9 जजों की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू कौल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा और अन्य जज शामिल रहेंगे। IPL के शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए BCCI पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो उस पर लगाया गया है 4,800 करोड़ रुपए का जुर्माना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस विवाद के कारण ये फैसला डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइजी के पक्ष में सुनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1992 बैच के IFS अधिकारी विक्रम दुरी स्वामी का हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश के। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत है, इससे पहले वो भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है? तो ये खोला है भूटान और भारत के बीच में। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है, और इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल विनिर्माण रिस्क सूचकांक, जिसे कहा जाता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो भारत इस समय है 3rd पोजीशन पे। चलिए देखते हैं पहले और दूसरे स्थान पे कौन है। तो पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे अमेरिका है। 3rd क्वेश्चन आज का, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हमारी किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किसानों के लिए उर्वरक वितरण कार्यक्रम। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में रमेश टीकाराम का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो रमेश टीकाराम थे एक मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनके बारे में।
तो कोविड-19 के कारण अर्जुन अवार्डी पैरा एथलीट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम का निधन हो गया है। उन्होंने 1995 में नॉटिंघम में एक इंटरनेशनल मीट सहित शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में कई पदक जीते थे। 2002 में पैरा एथलेटिक और बैडमिंटन में अपनी उत्कृष्टता के लिए उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे ये और कोविड-19 के कारण इनकी मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन TIFF की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है हमारी प्रियंका चोपड़ा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो TIFF मतलब होता है यहाँ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है प्रियंका चोपड़ा और बॉलीवुड फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप को भी TIFF 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने साइबर नामक वर्चुअल जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो ये किया है हमारे देश की तेलंगाना राज्य सरकार ने। इस अभियान के तहत बच्चों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले ऑनलाइन अपराधों को सुलझाना होगा। अब चलिए तेलंगाना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल हैं तिमली सिलाई सुंदर राजन, लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें और विधानसभा के 119 सीटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम के तहत किस राज्य सरकार ने एक साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम के तहत एक साल के लिए सुगंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में गुटखे पर तो पहले से ही प्रतिबंध है, लेकिन इन दिनों सुपारी में तंबाकू मिलाकर बेची जा रही है। इस कारण दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान में स्थित TTP संगठन के नेता मुफ्ती मूर वली महसूद को किसने देश में वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है? तो ये किया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। जून 2018 में मौलाना फजुल्लाह की मौत के बाद मुफ्ती नूर वली मसूद को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने इस समय वैश्विक आतंकवादी के रूप में नियुक्त कर दिया है, नामित कर दिया है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान और किस देश के बीच आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हो रहे हैं? तो आप लोग जानते होंगे आजकल पाकिस्तान का सबसे जिगरी जो दोस्त है वो चीन है, तो उसी के साथ हो रहे हैं इस परियोजना पर हस्ताक्षर। इसके तहत झेलम नदी पर बने आजान पट्टन जल विद्युत परियोजना $2.4 अरब का एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइबर हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? तो ये हुआ है इजराइल और भारत के बीच मुख्य समझौता साइबर हमलों से बचने के लिए, जिसके तहत कोरोना वायरस के समय नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे निकले हैं। हाल ही में किस राज्य ने हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोरस्टेप की पहल शुरू की है? तो ये की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोरस्टेप में अलग अलग टीमें बनाई जाएंगी और ये टीमें पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज करेंगी। अब चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और मैं अपने करंट अफेयर में जीके भी साथ के साथ कराती हूँ। किसी भी स्टेट की बात हो, किसी भी कंट्री की बात हो, तो उसके बारे में सारी जानकारी हमारे करंट अफेयर में होती है। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें करंट अफेयर को। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता, लोकसभा की 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू किया है? जैसे कि मैं बता दूं, निष्ठा कार्यक्रम जो है जो उच्च शिक्षा के लिए है कि ऑनलाइन हम उच्च शिक्षा कैसे दे सकते हैं, उससे संबंधित है ये। तो ये किया है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम। ये स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों के लिए
ये अपने तरह का सबसे बड़ा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। निष्ठा का मूल उद्देश्य छात्रों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित और सुसज्जित करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में रोज क्रिस्टीन ओसुका रेपोंडा किस देश की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है गेबोन की, और ये याद रखेंगे क्योंकि ये पहली लेडीज प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इस टाइप के क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कई बार पूछे जा चुके हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यह गेबान है, गेबान एक जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी है लिब्रेविले और मुद्रा है सीएफए फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का। हाल ही में किस राज्य की स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हरेला पर्व के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय जीत सिंह नेगी की पुण्य स्मृति में पौधे लगाकर स्मृति वन का उद्घाटन किया। अब एक चीज ये याद रखेंगे कि हरेला जो पर्व है वो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण पर्व है, तो ये भी इसके अंदर से एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड जो है उत्तर प्रदेश से ही निकल के आया है। बाकी उत्तराखंड की बात करें तो उसकी राजधानी है देहरादून। यहाँ उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें और विधानसभा की 404 सीटें। उत्तराखंड की यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी राजधानी है देहरादून और इसके मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भी आगे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये किया है अमेरिका के साथ भारत ने समझौता। चलिए अमेरिका की ओवरऑल देख लेते हैं। तो अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में कौन नेल्सन मंडेला 2020 पुरस्कार के विजेता बने हैं? ऑप्शन है ए मोरियाना काइट, नेक्स्ट बी ऑप्शन है मारियाना वर्दिनायनिस, ऑप्शन है सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। गिनियन डॉक्टर, मतलब गिनी एक देश है, उनके डॉक्टर मरिसाना काइट और ग्रीस की मरियाना वर्दिनायनिस, तो ये दोनों का नाम ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आप लोग ये अच्छे से याद कर सकते हैं। इन दोनों को 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष तिजानी मोहम्मद बंदे ने पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष भी आप याद रखेंगे, तिजानी मोहम्मद बंदे। नेल्सन मंडेला उन व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है जो मानवता की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाई जाने वाली प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट किस वर्ष आएगा? तो ये आएगा 2023 में। तो आपको इससे ये जानकारी मिल गई होगी कि रेलवे में अब प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रेलवे द्वारा प्राइवेट सेक्टर की मदद से चलाए जाने वाला प्राइवेट ट्रेनों का पहला सेट 2023 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसके मुताबिक 12 ट्रेनें होंगी। सभी 151 ट्रेनों को 2027 तक पेश कर दिया जाएगा, मतलब टोटल 151 ट्रेनों का लक्ष्य है और जिसमें से 12 ट्रेनें 2023 में चलाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं डॉम सिल्वे आईसीसी के गेंद पर लार का इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये जो गेंद पर लार ना लगाने का नियम था, ये हमारे इसका जो सजेशन दिया था ये अनिल कुंबले द्वारा दिया गया था, इंडियन क्रिकेटर द्वारा, और इसको नियम बना दिया गया था कोरोना की वजह से। तो अब इसको तोड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं वो हैं डॉम सिल्वे, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के हैं। तो ये याद रखेंगे आप लोग।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के ये ओपनर बल्लेबाज हैं डॉम सिल्वेन। इसने गेंद से गलती से लार लगाते हुए करते हुए पाए गए हैं, क्योंकि अब ये तो हैबिट हो जाती है ना, जो लोग मतलब यूज़ करते हैं तो उनका आदत नहीं छूट पाती। इसके साथ ही वे आईसीसी की गेंद पर लार के इस्तेमाल का नियम तोड़ने वाले भी पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ये घटना ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर लंच के ठीक पहले 42वें ओवर में घटी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस हैमिल्टन ने कौन सी बार हंगेरियन ग्रैंड प्रिक जीतकर किसी एक ट्रैक पर सबसे ज़्यादा रेस जीतने के शुमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है? तो ये की है 8वीं बार इन्होंने। ये लुइस हैमिल्टन की 86वीं जीत है, 86 जीत है, और माइकल शुमाकर ने 1994 में पहली जीत दर्ज की थी और उन्होंने फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स रिकॉर्ड 8 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के सहयोग से किस देश ने मंगल ग्रह पे अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है? तो ये किया है सऊदी अरब अमीरात, जिसे यूएई भी कहा जाता है। इसने हाल ही में जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से मंगल ग्रह पे अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन शुरू किया है। ये मिशन मंगल ग्रह होप नाम से डब किया गया है। यूएई ने अपना पहला इंटरप्लेनेटरी होप प्रोब मिशन 3:28 पे लॉन्च किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश की सांसदों ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा या कानून प्रस्तुत किया? अमेरिकी संसद ने, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने, जापानी संसद ने या रूसी संसद ने? तो यहाँ करेक्ट आंसर है रूसी संसद ने। रूसी सांसदों ने हाल ही में समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को वैध बनाने के लिए मसौदा कानून प्रस्तुत किया है। रूसी जन्म संग्रह 2020 के मुताबिक मतदाताओं ने संविधान में प्रस्तावित परिवर्तन को भारी समर्थन भी दिया है। तो आज के करंट अफेयर यहीं खत्म होते हैं। तो होप आपको पसंद आए होगी वीडियो, अगर आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और जो व्यूअर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।